इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना के क्राइम हिस्ट्री में जो अपराधी टॉप फाइव में जिसकी गिनती होती है, भोला यादव, आज उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वही भोला यादव है जिसने गर्दनी बाग इलाके में AK-47 जैसे हथियार से हत्याकांड को अंजाम दिया था। जी हाँ, आज पटना पुलिस ने भोला यादव को धर दबोचा। सारे हत्याकांडों के अलावा दीघा जैसे इलाकों में रंगदारी और ऐसे तमाम जघन्य अपराधों में भोला यादव की संलिप्तता रही है। इस मामले में आज पटना की SSP गरिमा मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं गरिमा मलिक। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक कंकड़बाग में एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और वहां पे कुछ अपराध करने की जो है प्लानिंग चल रही है, जिसमें सिटी SP साहब के नेतृत्व में हम लोगों का जो SIU है उसके द्वारा और अन्य थानों के द्वारा कार्रवाई की गई। तो उसमें 9 अपराधकर्मी जो हैं पकड़ाए, ये लोग सभी जो है शराब के नशे में थे। पूछताछ पर आगे पता चला, उसमें जो है ये पूछताछ इनसे जो हुई उसके बेसिस पे दुर्दांत अपराधकर्मी जो सुपारी किलर है और कई कांडों में इंक्लूडिंग दीना गोप हत्याकांड का मेन शूटर जो था भोला यादव, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये अपराधकर्मी जो है वो कम से कम 1 दर्जन अपराध जो है पहले कारित कर चुका है। मुख्यतः हत्या करना जो है इसका पेशा है। यहाँ पर बुद्धा कॉलोनी में रवि गोप नामक व्यक्ति जो है उसकी हत्या हुई थी। फिर बेऊर में 2019 में ही एक हत्याकांड हुआ है, इसमें भी ये वांछित था। और पहले कई हत्याकांडों में जो है ये जेल जा चुका है। अभी ये लोग जो एकत्रित हुए थे ये पुनः बहुत मेजर कोई अपराध जो है उसको कारित करने का, कुछ व्यक्तियों को, कुछ व्यवसायियों को, अन्य को टारगेट करके हत्या करने की योजना बना रहे थे, जो इनके पकड़ाने से जो है विफल हो गई। क्या-क्या बरामद हुआ? एक हथियार बरामद हुआ है, कुछ जो है कारतूस बरामद हुआ है। खास गिरफ्तारी इन लोगों की? गिरफ्तारी कंकड़बाग थाना क्षेत्र से हुई। बेसिकली ये लोग सुपारी किलर, जो अपराधकर्मी की बात हो रही है भोला यादव, ये दुर्दांत अपराधकर्मी है, सुपारी किलर है, पहले कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है और पहले कई हत्याओं में वांछित है कई कांडों में। दीना को भी दीदार देने वाला की इधर का है आपका गर्दनी वाला 2017 या 18 का? ये मानिक चंद 18 का मानिक चंद। हां, टोटल कितने के कितने के? 10 टोटल इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें जो है मेन बात है कि ये जो हत्या दीना गोप हत्याकांड जिसमें बात कर रहे हैं उसमें AK-47 का इस्तेमाल हुआ था हत्या कारित करने में। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।